हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। तब जब हनुमान जी लंका की ओर जाते हैं, तो जब लंका पहुंचते हैं तो वहां पर लंकिनी नाम की राक्षसी रहती है, और हनुमान जी को देखती है तो बोलती है, अरे बंदर किधर से आ गया, हाँ आज तू मेरा ब्रेकफास्ट बनेगा। क्या बनेगा? मैं क्या बोलूँगी, महाप्रसाद है गोविंदे, खाओ पेटे आनंद है, समझ रहे हैं? तो वो बोल ही रही थी, समझ रहे हैं, कि मैं तुझ मेरे को वरदान है, मैं जिसको भी देखूँगी उसको खा जाऊँगी। तब तक हनुमान जी उसका पीठ पर चढ़ के एक मुक्का मार, उसका खून खून होकर गिर गई, समझ रहे हैं? तो बोलती है, अच्छा मैं समझ गई, ब्रह्मा जी ने बोला था मेरे को कि जब एक बंदर आएगा ना और तुमको मार देगा ना और तुम बेहोश हो जाएगी, तो समझ लेना अब लंका का नाश होने वाला है, तुम भगवान का आदमी है, मुझे समझ में आ गया, समझ रहे हैं? तो तुम अब अंदर जाओ, टेंशन मत लो। और उसको आशीर्वाद देती है कि तुम नगर में प्रवेश करो और भगवान राम का सेवा करो। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, आप प्रवेश कीजिए और सब कार्य कीजिए, क्योंकि आप भगवान के पार्षद हैं, आप सब रावण को उनके सैनिकों को सब राक्षसों को मार देंगे। लेकिन बोलती एक काम याद रखना, बोले क्या? प्रवेश नगर कीजे सब काजा, आप नगर में प्रवेश कीजिएगा, सब कार्य कीजिएगा, लेकिन और एक क्या करना है आपको, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लेकिन हृदय में क्या रखिएगा? हमारे कौशल के जो कौशल्या के पुत्र कौशल नरेश, हमारे जो रामचंद्र हैं, उनको हृदय में अवश्य। तो लंकिनी भी सिखा रही है, क्या बोल रही है, प्रवीस नगर कीजे सब काजा, प्रवीस नगर कीजे सब काजा, प्रवीस नगर कीजे सब काजा, प्रवीस नगर हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, तो लंकनी सिखा रही, हनुमान जी आप अपने मकसद में आगे बढ़िए, आपको आशीर्वाद है, लेकिन याद रखेगा काम सब कीजिएगा, हाथों से काम मुख से हाथे काज मुखे नाम। तो इसलिए हमें भी जीवन में ये चीज को सीखना चाहिए कि हम कुछ भी करें, हर समय भगवान को मन में, जो भगवान को मन में धारण करेंगे उनका जीवन सफल हो जाता है, उनको हमेशा सफलता मिलेगी। यही गीता का सार है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो अनुग्रह तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवानिते। तो इसीलिए हमें सुबह उठकर रोज मंगला आरती, हम ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का जप कर लेते हैं, ताकि भगवान को हृदय में स्थापित, भगवान की कथा सुननी चाहिए, ताकि हम दिन भर फिर भगवान की चेतना में सेवा कर सकें। हरे नाम प्रभु की।